बच्चों, हमने अभी लैब में इस सर्किट डायग्राम की मदद से सर्किट बना के पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, तो हम एक बार वापस देख लेते हैं। हमने दो तरह से रीडिंग लिए थे बेटा, एक तो इस की को ओपन रख के जब इस ईएमएफ को बैलेंस किया और उस वक्त हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ था एल नॉट, और फिर हमने इस की को क्लोज करके अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग बैलेंसिंग लेंथ निकाले। ठीक है, तो हम इसका ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे, कैसे टेबल बनेगा समझें। सबसे पहले हम प्राइमरी सेल को ओपन सर्किट में रखते हैं, ठीक है, जिस वक्त की ओपन थी। ओके, तो हम एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में एल नॉट का रीडिंग लेंगे और एक्सपेरिमेंट के आखिर में भी एल नॉट का रीडिंग लेंगे। इट मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एल नॉट का रीडिंग लेंगे और उसकी एवरेज वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको क्लोज सर्किट में लेने के बाद, मतलब टर्मिनल वोल्टेज के लिए तो बैलेंसिंग लेंथ आया, उसके लिए कैसे टेबल बनाएंगे बेटा। सबसे पहला तो रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स, फिर बैलेंसिंग लेंथ का कॉलम, देन 1/R इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू, 1/L लेंथ का रेसिप्रोकल वैल्यू। ये रेसिप्रोकल वैल्यू हम ग्राफ के लिए ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में ये R का फॉर्मूला। तो अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए हम अलग अलग बैलेंसिंग लेंथ लेंगे और हर वैल्यू के लिए हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा होगा। रिजल्ट लिखते समय हम यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस की एवरेज वैल्यू नहीं लेते हैं। तो इसका किस तरह से रिजल्ट लिखना होगा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन प्राइमरी सेल वेराइज विथ करेंट ड्रॉन फ्रॉम इट एंड इट्स डिटरमाइंड वैल्यू लाइज बिटवीन। अब यहां पर जो हमारे पास में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएंगी वो हमें यहां पर लिखने होंगे। ठीक है, तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट, एक ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट रहा वो तो हमने टेबल की मदद से लिया, और दूसरा अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो उसके स्लोप की मदद से भी हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।